हरिकिशन दीवान, रामलीला कमेटी, धार्मिक रामलीला कमेटी का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। पहले तो ये आपके चैनल को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ जो आप समय निकालकर हमारे यहाँ प्रोग्राम में आए, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। ये रामलीला अब के जो हो रही है, रामलीला का मंचन, ये 33 साल आप पूरे हो जाएंगे। और ये रामलीला बड़े छोटे रूप से शुरू हुई थी और आज की तारीख में भगवान की कृपा से और जनता के अगत सहयोग से और हमारे जो अरविंदर सिंह लवली जी हैं विधायक, यहाँ रहे हैं मिनिस्टर भी दिल्ली के रहे हैं, उनके भी बहुत भारी सहयोग हमें रामलीला में मिला। बहुत बड़ी परेशानियाँ आईं और हमारे सुरेंद्र शर्मा जी हैं, ये निगम पार्षद यहाँ से रहे हैं, इनका भी पूरा सहयोग हमें मिलता रहा है। और आज जो निगम पार्षद हैं रमेश गुप्ता, उनका भी सहयोग मिलता है। बाकी लवली जी और इनका काफ़ी सालों से सहयोग है। रामलीला का जो हमारा दृश्य दिखाने का या राम को, राम जी के चरित्र को बताने का मतलब ये है कि हम पब्लिक में संदेश देना चाहते हैं कि राम जी के चरित्र को देखकर राम जी जैसा काम करने के लिए प्रेरित हो पब्लिक। हमारे बच्चे जो आज भटक रहे हैं वो इस काम में आगे बढ़े। नई जनरेशन ज़्यादातर पश्चिमी कल्चर की ओर है, लेकिन हम अपनी तरफ से उन्हें ये बताना चाहते हैं कि भाई इसमें जुड़ो। ये राम जी की लीला है और इसको करते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है और धर्म पुण्य का लाभ भी मिलता है। इस बार हमने प्लास्टिक पर भी, जैसे मोदी जी ने कहा है, उस पर भी काफ़ी जोर दिया है। प्रोग्राम भी किया था एक बार नॉन प्लास्टिक। तो ऐसे एक, जैसे गरीब लड़कियों की शादी वगैरह होती है उसमें भी कमेटी जो दान दे सकती है वो उनकी सहायता करती है। और मेन उद्देश्य राम जी के चरित्र दिखाने का ही है। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हम देख रहे जो कलाकार जो यहाँ स्थानीय या एक बाहर से कलाकार मंगाते हैं, ये कलाकार सारे हमारे यहीं के हैं, वो पेड़ नहीं है, नॉन पेड़ है। और वो अपने मन से इस रामलीला को करते हैं, जिसके लिए वो अब उनके भी बच्चे रामलीला के कलाकार बनते हैं और वो अपनी तरफ से पूरा रोल निभाते हैं। बहुत बढ़िया काम करते हैं।